नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। पांडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, नागदा पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश और उज्जैन में कलेक्टर ने किया नगर पूजन। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। सेगांव में देवी श्री माता जी आराधना मित्र मंडल द्वारा माता के जगराते का भव्य आयोजन किया गया। इसमें इंदौर के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गई। माता के जगराते में विभिन्न सुंदर प्रस्तुतियों ने सारी रात दर्शकों को बांधे रखा। प्रसिद्ध गायक पीयूष कुशवाहा और कंचन सोनी की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आचार्य ओम प्रकाश जी शर्मा, क्षेत्रीय विधायक केदार डाबर, पुलिस अधीक्षक सुनील पांडे, बोंदर सिंह मंडलोई, वीरेंद्र सिंह दरबार, रेवाराम पाटीदार, मनोज रघुवंशी, सुनील शर्मा, ओम रमनेकर, हीरालाल पाटीदार, दिनेश मिश्रा, संतोष राठौर, मुकेश पटेल, दीपेश शर्मा, विजय साहू आदि मौजूद थे। देवी श्री माता जी आराधना मित्र मंडल द्वारा अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। सेगांव से संतोष गोयल की रिपोर्ट। नालछा और आसपास के पूरे क्षेत्र में नवदुर्गा उत्सव समिति के पांडालों में डांडी और सांस्कृतिक आयोजनों की धूम मची हुई है। साथ ही नवरात्रि का पर्व पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर में माता को प्रसन्न करने के लिए कई जगह आयोजन किए जा रहे हैं। नालछा में कुशवा चौपाटी पर मां अम्बे को 56 भोग लगाकर 101 जोड़ों के द्वार सामूहिक महाआरती की गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिक मोहनलाल शर्मा, नालछा जनपद अध्यक्ष लालजी डावर एवं थाना प्रभारी बीएस वसुनिया मुख्य अतिथि थे। वहीं मां कालिका माता मंदिर टेकरे पर महेश यादव मित्र मंडल द्वारा महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया। वहीं न्यू रॉयल क्लब, राजवाड़ा चौक, एक्सीलेंट सोशल ग्रुप, सदर बाजार, पुलिस थाना परिसर, श्री कृष्ण चौक, कुमार मंडी, द्वारकाधीश मंदिर, अंबेडकर कॉलोनी व तेजाजी चौक, चाट मोहल्ला आदि जगह देर रात तक गर्भों से मां की आराधना की जा रही है, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो गया है। नालछा से अशोक राठौर की रिपोर्ट। बाजीगर जुड़वा, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी सुपरहिट मूवी में संगीत देने वाले संगीतकार अनु मलिक शनिवार को इंदौर में रहे। इंडियन आइडल सीजन 11 के प्रमोशन के दौरान शहर के एक निजी होटल में पहुंचे मलिक ने इंदौर की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने इंदौर के पोहा जलेबी का भी जिक्र किया। बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार अनु मलिक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज के दौर में टैलेंट की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उसे तराशने की। अपने बीते समय को याद करते हुए अनु मलिक ने ऊंची है बिल्डिंग और खुद के संगीत दिए हुए कई गानों के बारे में बताते हुए कहा कि उस समय बहुत स्ट्रगल था। वहीं मलिक बोले कि आज के दौर में इंडियन आइडल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए देश के टैलेंट को मंच के माध्यम से बॉलीवुड तक पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में रेलवे स्टेशन से वायरल वीडियो के जरिए रानू मंडल के बड़े सिंगर बनने को लेकर अनु मलिक ने कहा कि देश में ऐसे कलाकारों के लिए इंडियन आइडल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन आइडल में बीते समय एक बूट पॉलिश करने वाले गरीब को प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें वह आज कई बड़े मुकाम तक पहुँच गया है। सबसे पहले तो मैं इंदौर को अपना प्रणाम कहना चाहता हूँ, अपना सलाम कहना चाहता हूँ। मैं इंदौर को बहुत प्यार करता हूँ। आप बोलेंगे जलेबी के लिए, हर बार जो डायलॉग होता है ना लोगों का आते ही, हमें इसकी इसका पोहा पसंद है, इसकी जलेबी पसंद, वो तो है ही, लेकिन मैं इसके कल्चर को बहुत मानता हूँ। मैं कल्चर को क्यों मानता हूँ, आप देखिए यहाँ जो आर्ट्स और कल्चर को इनक्रेज किया जाता है, जैसे यशवंत राव क्लब भी है ना यहाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सयाजी क्लब भी है वहाँ, बहुत अच्छा आर्ट्स एंड कल्चर को इनक्रेज किया जाता है। आई रियली लाइक दैट। और मैं आपके एक बैंड को बहुत पसंद करता हूँ, यहाँ का एक बैंड है हैवी रॉक मेटल में, निकोटीन ग्रुप है, जो यहाँ से इंदौर से निकला हुआ है। आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन निकोटीन ग्रुप इज़ अ वेरी हैवी मेटल दैट कम्स फ्रॉम योर, यहाँ टैलेंट बहुत है। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा लगता है इंदौर का मुझे, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम मुझे बहुत पसंद, जनरली बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आउट ऑफ द 100 सिटीज इन इंडिया, द फैक्ट कि इंदौर को चुना गया है टू बी मेड अ स्मार्ट सिटी, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। यहाँ का
ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लो, एजुकेशन देख लो, यहाँ का मीडिया देख लो, आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ। इट्स वेरी कल्चर्ड, वेरी वेरी क्लूड इन, और मैं मीडिया से मिलकर बहुत खुश होता हूँ। हर बार जब भी आता हूँ यहाँ के मीडिया का तरीका क्वेश्चन पूछने का, पॉइंटेड क्वेश्चन होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं अजमत के साथ हूँ, रिदम के साथ हूँ और अदरिस के साथ हूँ। इन तीनों ने जो अपनी आवाज़ सुनाई है, दिस शोज द पावर ऑफ सोनी, हमारा इंडियन आइडल फॉर्मेट और इन बच्चों की मेहनत। इंडियन आइडल 11 में जो सिंगर्स मिले हमें, मैं बार बार कहता जा रहा हूँ हर मीटिंग्स में, मतलब 15 के 15 आउटस्टैंडिंग नग, ये खुद नहीं जानते कि इनमें से कौन इंडियन आइडल बनेगा, और जनता को नहीं समझ आएगा कि हम किसको चुने, क्योंकि ये शो इज गोइंग टू बी वन पावर हाउस पैक्ड परफॉर्मेंस शो। सर, इंडियन आइडल प्रतिभाओं को तराशने का काम करते आ रहा है, जितने भी पिछले सीजन हुए हैं। अच्छा, मैं एक बात बोलना भूल गया, मैं आपकी सिटी को बहुत और भी मानता हूँ, क्योंकि यहाँ इट्स वेरी क्लीन। जब से मैं एयरपोर्ट से निकला हूँ, इतनी सफाई मैंने, स्वच्छता मैंने देखी। आई एम सो प्राउड टू कम हियर, आई थिंक इट्स द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। हम जहाँ जा जाते हैं, बट दिस इज फैंटास्टिक। हाँ, क्या नया देखने को मिलेगा इस सीजन में? आउटस्टैंडिंग सिंगिंग, जिसने हमें हैरान कर दिया ऑडिशनिंग में, बच्चों का रेंज, उनकी कॉन्फिडेंस, लड़कियों की कॉन्फिडेंस, लड़कों का कॉन्फिडेंस, और इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स। एक तो आप सुनते हैं वाह बोलते हैं, एक बोलते हैं कि यार वाकई ये ऐसा गा सकता है। दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस विल कम टू नो एंड सी इन इंडियन आइडल। इंदौर से सतीश शर्मा और विजय बंगाली की रिपोर्ट। उज्जैन के नागदा में पुलिस ने 19 वर्षीय युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि क्लिनिक पर साथ काम करने वाले ने ही युवक की हत्या की थी। क्लिनिक की छत पर ले जाकर गला घोंट कर उसकी हत्या की और बाद में बोरे में लाश भरकर फेंक दी। करीब 4 महीने पहले नागदा में हुए 19 वर्षीय नितेश चौहान के अंधे कत्ल का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में मृतक के साथी ही हैं जो उसके साथ क्लिनिक पर काम करते थे। पुलिस ने हत्याकांड के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को पुलिस कप्तान सचिन अतुलकर ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा किया है। उल्लेखनीय है कि नागदा में 11 जून को उन्हेल बायपास रोड पर ब्रिज के समीप बोरे में बंधी एक युवक की लाश मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने लाश को बरामद किया था। बाद में उसकी शिनाख्त नितेश चौहान, पिता गोविंद चौहान, निवासी 56 ब्लॉक नागदा के रूप में हुई थी, जो आस्था क्लिनिक पर काम करता था। जांच टीम ने इस बात पर फोकस किया कि आखिर हत्या से ठीक पहले मृतक की क्या लोकेशन थी और उसके साथ कौन लोग थे। जांच में पुलिस को पता चला कि मौत से पहले मृतक नितेश आस्था क्लिनिक पर था, जहां पर वह काम करता था। इस पर पुलिस ने वहां लगे CCTV फुटेज चेक किए। घटना वाले दिन के कुछ फुटेज पुलिस को मिसिंग मिले। बारीकी से फुटेज चेक करने पर पुलिस को दूध की एक थैली दिखाई दी, जिससे पुलिस को क्लियर हो गया कि मृतक क्लिनिक से पहले दूध की थैली लेने गया और फिर वापस क्लिनिक पर आया था। इस पर पुलिस ने क्लिनिक पर उसी के साथ काम करने वाले राजेश गहलोत और जगदीश बैरागी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो सच सामने आ गया। दरअसल मृतक नितेश के साथ काम करने वाले राजेश गहलोत की नितेश की मौसी की लड़की से फेसबुक पर दोस्ती हो गई थी। बाद में राजेश ने उसका नंबर लेकर उससे बातचीत शुरू कर दी। जब नितेश को इस बात का पता चला तो उसने चेतावनी दी कि इसी बात को लेकर राजेश ने क्लिनिक पर ही अपने साथ काम करने वाले जगदीश के साथ मिलकर घटना वाले दिन नितेश को उस समय मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश एक बोरे में भरकर उसी की बाइक से नागदा उन्हेल मार्ग पर फेंक दी। पुलिस कप्तान ने अंधे कत्ल केस के खुलासे के लिए TI श्याम चंद्र शर्मा, सब इंस्पेक्टर जीवन भिड़ोरे, आरक्षक सुनील सिंह बैस, नीरज पटेल, ईश्वर परिहार, मनोहर मोहरी, विनोद माली, सुखदेव सोलंकी, दिनेश गुर्जर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया गया है। वर्ष 2018 का मामला, इसमें अंधा कत्ल हुआ। पुलिस द्वारा लगातार गंभीरता से लेते हुए इसकी विवेचना की गई और अलग अलग टीमों ने इसमें लगातार अपने प्रयास करें।
आपका लगभग एक वर्ष के बाद जो वर्तमान टीम है उसने कुछ नए साक्ष्य संकलन किए, उसके आधार पे इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो है मृतक के साथ जो सहकर्मी जिस क्लिनिक में वो कार्य करता था उनके द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है। इसमें मुख्य कारण ये आया है कि जो मृतक था उसकी कज़िन जो बहन है उसके साथ में एक आरोपी की बातचीत थी जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहता था और इस कारण आरोपी ने योजना बनाकर उसके साथी के साथ में क्लिनिक के अंदर ही हत्या करी। उसके बाद जो बॉडी है उसको बोरे में भर के हाईवे पर डिस्पोज किया। सर, ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है उसी कारण? इसमें प्रेम प्रसंग के अलावा जो मुख्य बात सामने आ रही है कि दोनों के बीच जो विवाद होता था उसमें जहाँ पे क्लिनिक में कार्य करते थे और मृतक आरोपियों से अधिक कार्यकुशल होने के कारण क्लिनिक पर भी और अन्य जगह पर उसको ज़्यादा जो है अटेंशन मिलता था, इस बात को लेके भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनती थी। तो ये दोनों ही मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये घटना की। सर, दूध की थैली का क्या महत्व है इसमें? इसमें प्रारंभिक जो साक्ष्य पुलिस के पास आया था जिसमें ये कहानी सामने आई थी कि क्लिनिक बंद होने के पश्चात मृतक जो है एक डेयरी पर दूध लेके घर चला गया और उसके बाद ही पुलिस ने विवेचना में मुख्य जो बिंदु था कि दूध लेने के पश्चात और घर पहुंचने के पहले ही ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन वर्तमान टीम ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें संकलित किया जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज क्लिनिक का था उसमें जो दूध की एक थैली उस फुटेज में दिखाई दे रही है, जिससे ये पता चला कि जो मृतक है दूध लेने के पश्चात दोबारा क्लिनिक पर आया है और उससे ही जो मुख्य संदेही थे वो सहकर्मी बन गए। सहकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया कि किस प्रकार से उनने वापस से क्लिनिक में मृतक को ले जाकर पूरा घटनाक्रम किया, किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज ऑफ। इसमें सर पुरस्कार भी घोषित किया गया था सर, क्योंकि प्रकरण काफ़ी महत्वपूर्ण था। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को इसमें पुरस्कार देने की घोषणा। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। महाअष्टमी पर उज्जैन में नगर पूजन किया गया। परंपरा अनुसार माता मंदिर में की गई महाआरती में कलेक्टर शामिल हुए। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया था। यह माता की पूजन राजा विक्रमादित्य किया करते थे और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए जिलाधीश द्वारा यहां पर पूजन किया गया। उज्जैन के कलेक्टर शशांक मिश्रा ने माता को मदिरा का भोग लगाया तथा महाआरती भी की। कहा जाता है कि नगर पूजा का प्रमुख कारण शहर में किसी भी प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा नहीं होती, साथ ही यहां पर सुख और समृद्धि खुशहाली बरकरार रहती है। उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के समय से नगर पूजा की परंपरा चली आ रही है। आज इस परंपरा का निर्वाह उज्जैन के राजा अर्थात जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। यहां नवरात्रि पर्व पर महाअष्टमी के दिन वर्ष में एक बार जिला प्रशासन द्वारा नगर पूजा की जाती है। इस पूजा में लगभग 27 किलोमीटर तक मदिरा की धार लगाई जाती है जो कि शहर के कई देवी मंदिरों में जाती है। इस महापूजा में जिला प्रशासन के साथ साथ कई श्रद्धालु पैदल चलते हैं और सुबह प्रारंभ होकर यह यात्रा शाम तक समाप्त होती है। यह यात्रा उज्जैन के प्रसिद्ध 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर पर शिखर ध्वज चढ़ाकर समाप्त होती है। इस यात्रा की खास बात यह होती है कि एक घड़े में मदिरा को भरा जाता है जिसमें नीचे छेद होता है, जिससे पूरी यात्रा के दौरान सड़क मार्ग व देवी मंदिरों में मदिरा की धार बहाई जाती है। हर बार महापूजा में जिला कलेक्टर के साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी व बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। महाअष्टमी की महापूजा सुबह 8 बजे से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। देवी शक्तियों को चढ़ाई जाने वाली इस मदिरा को प्रसाद के रूप में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ग्रहण भी करते हैं। दुर्गा अष्टमी के दिन 24 खंबा माता जी के यहाँ से ये पूजन शुरू होता है और यहाँ पर मदिरा की का भोग भी लगाया जाता है। लगभग 27 किलोमीटर का इसका रूट रहता है और गढ़ कालिका माता जी पे ये जाके समापन होता है। शहर की बेहतरी के लिए, जिले वासियों की बेहतरी के लिए ये पूजन को किया जाता है और परंपरा के अनुसार ये हर वर्ष ये पूजन ऐसे ही होता आ रहा है राजा महाराजों के समय से। जी, उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।
नवरात्रि का महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। हर जगह गरबों की धूम मची हुई है। इसी कड़ी में इंदौर के सूरज नगर के कालका माता मंदिर समिति द्वारा भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में महिलाओं ने भाग लिया। आयोजन समिति के मुख्य महंत कमलेश दास महाराज ने बताया कि यह यात्रा प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी निकाली जा रही है, जो कि विनोबा नगर शिव मंदिर से मां कालका माता शक्ति पीठ सूरज नगर तक जाएगी। ये कालका माता से शक्ति पीठ की यात्रा है। ये विनोबा नगर से कनाड़िया रोड होते हुए बंगाली चौराहा होता है, गणराज नगर होते सूरज नगर कालका माता पे समापन हुई है। और प्लास्टिक मुक्ति के लिए हम लोग राधे बाबा के साथ शपथ लेते हैं कि प्लास्टिक मुक्ति करेंगे। और आज से हम कसम खाते हैं कि हम ये कार्यक्रम राधे बाबा के साथ शपथ लेके सबको जनजीवन में और जो भी समस्या है प्लास्टिक के अंदर जो धरती में पानी नहीं जाता उसकी समस्या के लेके लड़ाई लड़ेंगे। मैं कमलेश दास, कालका माता शक्तिपीठ सूरज नगर। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 पर।